तेजस्वी प्रकाश एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, बिग बॉस और नागिन 6 में नज़र आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी उनकी लाइफ में एक ऐसा गम है जिसे वो कभी नहीं भुला पाई हैं, और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको बता दें इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वह आपको बता दें कि तेजस्वी प्रकाश का नाम आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। तेजस्वी प्रकाश कौन है आज सब जानते हैं। 10 साल इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, वो पहचान नहीं मिली, लेकिन खतरों के खिलाड़ी, देन फिर बिग बॉस 15 और उसके बाद में नागिन 6, ये 3 ऐसे बड़े उनके लाइफ के प्रोजेक्ट रहे हैं जिसमें उन्होंने मुकाम हासिल किया है, उन्हें इतना नोन पर्सन माना गया है, उनके लिए सब कुछ किया गया है। सो गाइज, आपको बता दें यहाँ पर कि दरअसल सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एजुकेशन के मामले में तेजस्वी प्रकाश की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसीलिए उन्होंने लाइफ में अगर कभी कुछ स्ट्रगल होता या कोई प्रॉब्लम आती तो उसके चलते उन्होंने बैकअप अपना प्लान रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ का एक ऐसा गम था जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आपको बता दें कि अगर तेजस्वी की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने बिजनेस स्टडीज़ जो है वो पढ़ी हुई है। अगर मैं बात करूँ बिज़नेस ऑफ एजुकेशन, इंजीनियरिंग जो है उन्होंने की हुई है, और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेज़न प्राइम पर क्रैश कोर्स करके एक सीरीज़ आने वाली है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती नज़र आ रही है, यानी कि इस पर ग्लैड मतलब से प्राउड करती हुई नज़र आ रही है तेजस्वी प्रकाश। और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर वो लिखती हैं, ग्लैड समवन मेड अ शो लाइक दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन where each and every character resonates with the engineering students out there। तो यहाँ पे उन्होंने kudos यानी कि अनु कपूर for the fab performance, उनकी performance के लिए उनकी तारीफ की है, plus उन्होंने यहाँ पे prime video को भी tag किया है। so हम सभी ये बात जानते हैं क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने कहा था I am engineer। तो यहाँ पर जो है तेजस्वी प्रकाश को ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लग रही है कि business of education को इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वो भी अब काफ़ी समय के बाद। सो आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।